तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। बस थोड़ी देर। नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर के कलेक्टर ऑफिस में और यहाँ पर अभी देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल और तेल की जो महंगाई के बारे में धरना दिया जा रहा है, तो जानते हैं हम नागपुर शहर के अध्यक्ष जनाब जावेद साहब से, शाहिद रंगून वाला जी से। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। मैं शाहिद रंगून वाला, विदर्भ यूथ प्रेसिडेंट। आज ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से धरना आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, जो हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के आह्वान के ऊपर में आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 48 जिलों के अंदर में और सभी तहसीलों के ऊपर में धरना दिया गया। उसी की कड़ी के अंदर में आज नागपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो वेस्ट नागपुर हो, पूर्व नागपुर हो, हमारे दक्षिण नागपुर हो और नॉर्थ नागपुर हो, ये सभी विधानसभाओं के अंदर में और मध्य नागपुर में सब जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। और अभी हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, हम कलेक्टर साहब को जो है एक निवेदन दे रहे हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को और जो है बिक्री कर विभाग महाराष्ट्र को, इनको हम दे रहे हैं। क्योंकि हम देने का इसके पीछे मकसद ये है कि केंद्र सरकार जो है पेट्रोल के ऊपर में 35 रुपये लीटर और 32 रुपये लीटर डीजल के ऊपर में टैक्स लगाती है। इसी की तरह जो महाराष्ट्र सरकार है वो जो है पेट्रोल के ऊपर में 25% और डीजल पर 22% टैक्स लगाती है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो टैक्स लगा के रखा हुआ है, अगर सरकार ये टैक्स को कम करती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। और हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम ये आह्वान कर रहे हैं कि 25% इन्होंने टैक्सेस के अंदर में कमी करना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल है 15 से 18 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम कम होंगे और जनता को इससे राहत मिलेंगी। अगर पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे तो इससे महंगाई भी कंट्रोल के अंदर में आएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। ट्रांसपोर्टेशन हैवी ज़्यादा होने की वजह से आम सब लोगों की भी जो है दुश्वारियाँ हो रही है और दूसरे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके भी रेट बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज महाराष्ट्र के अंदर में पूरे 48 जिलों के अंदर में और सभी तहसील कार्यालयों के ऊपर में MIM के द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन और मेमोरेंडम दिया जा रहा है। लेकिन सर आप हाल ही में आप देखिए, जैसा आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि भाजपा के जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता है और उन्होंने महंगाई के बारे में जब विरोध कर रहे थे लोग, तो उन्होंने सीधा कहा कि भाई जिनको महंगाई ज़्यादा लगती है तो खाना छोड़ दे, जिनको पेट्रोल डीजल का भाव ज़्यादा लगता है वो गाड़ी चलाना बंद कर दे। तो आप ऐसे प्रवक्ताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए कैसा है, वो जो लोग हैं, हम लोगों ने क्या बगैर पढ़े लिखे लोगों को जो है चुना के सदन के अंदर भेज दिया। वक्त की ज़रूरत है ऐसे लोगों को पदों से उतारा जाए, क्योंकि ऐसे बेतुके बयान जो आ रहे हैं, ये बयान उनके नहीं है, ये एक सोच की तरफ से बयान आ रहे हैं और ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपका नाम बताइए। शकील पटेल। आप बताइए सर, आप यहाँ पर क्यों मांगे? नहीं, आज कल जो लोग परेशान हो गए उसकी सबसे बड़ी कलते जो कारण है वो है महंगाई। आज जो कलते पिछले साल 1300 रुपये का कलते तेल मिला करता था सोयाबीन का, आज 2500 का हो गया है। जो 40 रुपये की दाल थी वो 120 रुपये की हो गई है। और कलते जो चावल था वो पिछले साल कलते 32 रुपये मिलता था, इस बार 52-53 रुपये खरीदना पड़ रहा है। उसका मतलब आज जो जनता परेशान है वो महंगाई से परेशान है, और महंगाई का मेन कारण है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाना। पेट्रोल और डीजल, ये जो पेट्रोल और डीजल जो है इसके रेट बढ़ जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से हर चीज़ में बढ़ रही। और अफसोस की बात है कि ये गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ा रही है वो जानबूझ के बढ़ा रही है। क्योंकि आज जो कलते डीजल और पेट्रोल है, आज पाकिस्तान में चले जाइए 50 रुपये से कम पे डीजल है, बांग्लादेश में चले जाइए 45 रुपये में डीजल मिल रहा है। जो नेपाल में हम पेट्रोल डीजल भेजते हैं वहाँ पे सिर्फ 56 और 60 रुपए में मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे को 103 रुपए में कलते अपना पेट्रोल और 95-93 रुपए के आसपास कलते डीजल मिल रहा है। इसका मतलब सरासर गवर्नमेंट कलते यहाँ के आम जनता के साथ खिलावट कर रही है, जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने चाहिए तो यहाँ पर हिंदुस्तान के, भारत देश के अंदर हम पेट्रोल 35 से 40, डीजल 35 से 40 रुपए में बेच सकते, और 35 से 40 रुपए का डीजल अगर मिल जाता है तो एक डीजल के ऊपर 50 रुपए कम हो जाते। उस हिसाब से सोचा जाए तो सारी चीजें सस्ती हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट को आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं, अपने बड़े सेटरों के पैसे भरना है और उनके लिए काम निकालना है। आम नागरिक मर रहा है तो मरते रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन MIM वो पार्टी है जो कलते आम लोगों के साथ रहती है और आम लोगों के साथ लेके चलती है, इसलिए आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऑल ओवर महाराष्ट्र में जहां जहां हमारे कलते कार्यकर्ता है पूरे महाराष्ट्र में आज ये कलते प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी सर कुछ लोग तो बोल रहे अच्छे दिन आ गए, जब अच्छे दिन आ गए तो आपको इतनी मतलब तकलीफ क्यों है? सारे लोग बोल रहे अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, तो आपको तकलीफ क्या है सर, बताइए ना। अच्छे दिन आ गए ना, जो लोगों को अच्छे दिन आ गए उनको कलते बंगाल में कलते उसका जवाब मिल गया है कि जहाँ पर 200 सीटें मिल रही थी वहाँ 100 का भी आंकड़ा नहीं मिला। तो अच्छे लोगों के मुँह के ऊपर आम जनता ने जो तमाचा मारा है, जो चप्पल मारी है, वो उनके समझ में आ गया, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तत्काल न्यूज़ से बात करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।